knows is the powerful point of the body. इस संसार के किसी भी महापुरुष को देखोगे, अगर आंख बंद किए हैं वो विकल्प ध्यान करते हैं, विकल्प ध्यान हृदय कमल में भगवान का, तो ही हृदय में ध्यान करते हैं। अगर कोई विकल्प है, कोई धारणा है, कोई रूप पिंड पद उनका आलंबन लेके साधना करनी है तो जरूर हृदय में करते हैं। लेकिन आप देखो, किसी भी बड़े योगी महापुरुष हुए सब नासिकाग्र पर ध्यान करते हैं। किधर ध्यान करते हैं, किधर ध्यान करते हैं? हाँ, इधर से जाने वाली हवा बाहर आए और वापस आए ही नहीं, उसको क्या कहें? हाँ, ये आपके जीवन का दरवाजा है, ध्यान रखना। इधर से जो हवा जाएगी वापस एक दिन आएगी नहीं, इसको बड़े प्रेम से रखना ताकि थोड़ी हवा को अंदर छोड़ने की उसमें भी भाव आती रहे कि चलो इसके लिए 4 साल और भी हवा छोड़ूं अंदर, इसके लिए 10 साल और भी छोड़ूं हवा अंदर। क्योंकि दरवाजे पर जो पैर ही खड़ा है उसी की तो इच्छा है कि छोड़ना है कि नहीं है। आप लोगों में कितने लोग हो, श्वास आपके गड़बड़ाने के कारण जीवन गड़बड़ाया हुआ है। क्या गड़बड़ाने के कारण? अरे श्वास से जीवन का क्या संबंध महाराज? ये श्वास अंदर जाता है तो ध्यान रखना, ये नासिका के अंदर कई छोटे 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 कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर जब हवा जाती है ना ऑटोमेटिकली हवा प्यूरिफाई होती है। क्या होती है? मेरे जैसों की ज्यादा प्यूरिफाई होती है, पूरा नाक बाल ही बाल से भरा हुआ है, भगवान जाने इतने बाल, कभी कभी सोचता हूँ सब निकाल दूं, फिर मैं सोचता हूँ भगवान ने अपने को प्यूरिफिकेशन का एक सिस्टम दिया है, उसको क्यों बिगाड़े, तो रखा बैठा हूँ। इधर से हवा मात्र प्यूरिफाई नहीं होता, जब भी हवा कहीं चलती हो बीच में कोई ना कोई अगर वस्तु विघ्न करता हो, रोड़ा करता हो, तो उसको डांक के जाते समय वो ऑटोमेटिक गर्म होता है। क्या होता है? हाँ, आपको मालूम नहीं है कि ये नाक क्या क्या काम करता है। जब हवा अंदर घुसती है तो पहले तो बाहर रहे हुए कोई भी मिट्टी धुआं ये आती है तो छींक के द्वारा उसको बाहर फेंकता है। क्या करता है? छींक के द्वारा बाहर फेंकता है, और बाहर फेंकने के बाद भी ये हवा आपके बॉडी टेम्परेचर के लायक नहीं रहता है। बॉडी का टेम्परेचर अलग है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग है, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से अलाइन हो जाए इसलिए उसको गर्म भी कर देता है। एक ही नाक है जो शुद्ध करता है हवा को, फिर गर्म करता है, फिर बराबर अंदर ले जाता है। और आपको ध्यान नहीं है, जो मुंह से जो हवा ले लेते हैं, मुंह से जो ब्रीथिंग करते हैं, उनको ना प्यूरिफिकेशन होती है ना एयर टेम्परेचर अलाइनमेंट होता है, ये दोनों उसमें नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोग शरीर से दुखी होते हैं, रोगी होते हैं और परेशान होते हैं। कभी भी मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को ऐसे लगता है कि भाई मुंह से श्वास लूं, भाई मेरा क्या, रे भाई मुंह खोला बैठा है। महाराज जी नाक बंद है सर्दी के कारण, नाक सर्दी के कारण बंद है ना, लिख के देता हूँ जबरदस्ती मुंह बंद कर दे, श्वास ले मत, कुछ नहीं होगा। तू बोलेगा फिर मेरा क्या होगा महाराज? अरे भगवान ने शरीर का यंत्र इस प्रकार से दिया है, अगर मुंह बंद करें ना, सर्दी भी लगी है, अपने आप ये दरवाजा खोल देता है ये हवा का प्रसर, और अपने आप सर्दी भी निकलती है और खुलती है। और हम सोचते हैं कि भाई हवा कैसे लूं, इसलिए जबरन हम ऐसे ऐसे मुंह से हवा लेते हैं, तो धीरे धीरे कब्ज की बीमारी, धीरे धीरे स्ट्रेस और डिप्रेशन आना, और धीरे धीरे मन का विकार आना। जो रात में सोते सोते मुंह से हवा लेने वाले कई लोग हैं, कराटा लेते हैं, तो आप मत सोचना कि कराटे लेने एक बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर और मन पर बहुत सारा काम करता है। ये भी पुण्य पाप, मैंने बोला पहले ही कि एक आदमी जाता है मंदिर और रास्ते में आते समय उसको एक दोस्त मिलता है, और दोस्त कहता है क्यों भाई उदास हो, नारायण के मंदिर से आया हूँ, बेटी की शादी नहीं हो रही है, 6 लाख चाहिए, इसलिए दुखी हूँ कि कोई 6 लाख मिल जाए, नारायण जी से प्रार्थना करके आया। दोस्त बोलता है कि मैं देता हूँ 6 लाख भाई, बाद में ब्याज सहित चुका देना।
निकला था नारायण मंदिर दर्शन करने और प्रार्थना फलित हो गई। इसको माँ जाने की प्रेरणा किसने दी, और जो निकल के गया एक्सीडेंट हो गई, इसको जाने की प्रेरणा किसने दी? हाँ, आपके साथ कहीं अपने आप जाने का कोई प्रेरणा मन में हो जाए और जाते रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए तो समझना कि अंदर के पाप ने प्रेरणा दी है कि जा, और जाते समय कोई फायदा हो गया तो अंदर के पुण्य ने प्रेरणा दी है भाई जा। मैंने सुबह कहा आपको कि हजारों बछड़े खड़े हों, गाय बराबर अपने बछड़े को कैसे पहचान लेती है? कैसे पहचान लेती है? अगर गाय अपने बछड़े को, बछड़ा अपने माँ को पहचान सकता है, तो ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में घूमने वाले आपके कर्म बराबर समय होते ही आपको पकड़ने के लिए बराबर आपको चुन के पकड़ते हैं कि अब इसके पास पहुंचने का समय आ गया। भले ही इस धरती में 600 करोड़ लोगों का पाप पुण्य का तरंग मिश्रित होके घूम रहा है, लेकिन ये वो बछड़ा है अपने माँ को पकड़ने समय पर बराबर पहुंचता है। आपको जो मिलता है आपके कर्मों से मिलता है। आज से एक चीज ये भी सीख लेना, उसके कारण मेरा काम बिगड़ गया, इसके कारण मेरी चीजें बिगड़ गई। अगर पत्नी अच्छी होती, अगर पति, अगर और किसी के ऊपर उंगली उठाना, ये दोनों अगर छोड़ दोगे, आज से योगी बनने के प्रथम चरण में कदम रखो।